बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया प्रेस क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। नादिया प्रेस क्रॉस की जानिब से जो जेनेटिक साइंस आपको समझाने का तरीक़ेकार शुरू किया, जिसमें हमने पैरेलल में रोजीला, रिंग नेक म्यूटेशंस, कॉकटेल म्यूटेशंस, लव बर्ड म्यूटेशंस, गोल्डन फिंचेस म्यूटेशंस, इलेक्ट्रस पैरेट म्यूटेशंस और रिंग नेक म्यूटेशन, इंडियन रिंग नेक और इसके साथ साथ रा पहाड़ी की भी म्यूटेशन जिस तरह लटीनो वगैरह, ये सारे सिलसिले हमने बताने शुरू किए हैं। और इसी सिलसिले की जो अभी आज की वीडियो है, ये बेसिकली दो पार्ट्स में वीडियो है। आज हम पहला पार्ट देंगे और चार दिन के बाद इसका दूसरा पार्ट हम पब्लिश करेंगे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, दोनों पार्ट बड़े इंटरेस्टिंग होने जाने हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको पाइट या जिसको चेरी भी कहते हैं, चेरी ग्रीन रिंग नेक या पाइड ग्रीन रिंग नेक, इसको बनाने का तरीका बताना है और ये भी बताना है कि इससे क्या क्या फ़वाद आप ले सकते हैं, कितनी कीमती किस्म की म्यूटेशन है, क्योंकि इसी म्यूटेशन से आपने अगले स्टेप में आप येलो के बच्चे ले सकते हैं। और अगर आपको ये बनी बनाई मिल जाए तो आप समझे कि आपकी लॉटरी निकल आई, क्योंकि आपने वहाँ बनी बनाई अगर आपको मिल जाती है तो आपने लेनी है और इनको डालना है और वो तरीक़ेकार हम बताएंगे। और आप बासानी जो येलो रिंग नेक इस टाइम पर 1,00,000 को भी क्रॉस कर गया है, वो आप बासानी पे घर पे बैठ के बना सकते हैं। चेरी की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, थोड़े से जो ग्रीन रिंग नेक से थोड़ा सा महंगा है, तो कदरे सस्ती म्यूटेशन है और उससे आप येलो रिंग नेक जैसी इतनी कीमती किस्म की म्यूटेशन आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले जितना कुछ भी मैंने सिलसिले बताए थे, इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इनकी प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जितनी भी इन इन टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड हुई हैं और वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक छोटी सी वजाहत, हम 2 हफ्ते एडवांस में वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं चैनल पे, और 1 दिन के गैप के बाद यानी कि हर दूसरे दिन रात को 9 बजे वीडियो पब्लिश होती है। और मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो वीडियो आज पब्लिश होनी है वो वीडियो हमने 2 हफ्ते पहले अपलोड कर दी और वो चैनल पे नज़र आ रही है, लेकिन उस पर डेट नीचे लिखी हुई कि ये 2 हफ्ते बाद की इस डेट को पब्लिश होगी। तो कई हमारे सब्सक्राइबर उसको क्लिक कर रहे हैं, वो खुलती नहीं है, तो वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं और वो नीचे डेट को गौर से नहीं पढ़ते कि ये इट विल बी प्रीमियर्ड ऑन दिस डेट। तो प्लीज़ इसको ख्याल रखें। और हम एक बाकायदा शेड्यूल के साथ, और पहले एडवांस में आपको इसलिए बताना ज़रूरी था कि आप जो है वो तैयारी कर लें, जो भी आपका डिज़ायर्ड बर्ड म्यूटेशन के मुतालिक आप जानना चाहते हैं तो आप उसका वेट करके आप, इसका ये भी फ़ायदा है कि आप उसको जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे रिमाइंडर का पूछेगा, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। और रिमाइंडर का फ़ायदा ये है कि बेशक 2 हफ्ते के बाद वो वीडियो पब्लिश होगी, लेकिन वो यूट्यूब आपको रिमाइंडर भेज देगा कि जी ये वीडियो जो है वो पब्लिश हो गई है, आप वॉच कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा यूट्यूब का फीचर है जिसको हमने इस्तेमाल किया और हमने शेड्यूलिंग की, और हम जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल की शेड्यूलिंग के ऊपर हम वीडियोस को निकाल रहे हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने लेना क्या है, आपने येलो रिंग नेक का मेल लेना है, और यह तो आपको पता है कि इसकी मादी जो है वो ज़्यादा महंगी है, इसलिए मैंने मेल का आपको पहले बताया ताकि आप जो है वो कदरे सस्ता भी ले सकते हैं। और इसके साथ आप ग्रीन रिंग नेक की फीमेल लगाएंगे, मेल मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, येलो रिंग नेक का मेल होगा और इसके साथ फीमेल जो है वो ग्रीन रिंग नेक की लगाएंगे। अब मेल जो येलो रिंग नेक का है, इसका जीनोटाइप, चूँकि ये मेल है इसमें दोनों एक्स हैं और ये इनो भी है, तो और इनो जो है नॉन सेक्स लिंक्ड होता है, यानी कि इसका सेक्स से तल्लक नहीं है, यानी कि एक्स पर भी हो सकता है और वाई पर भी हो सकता है। जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो सिर्फ एक्स पर पाए जाते हैं, जैसे ओपलाइन जो है वो सेक्स लिंक्ड है और जो लटीनो है, अल्बिनो है, ये NSLINO या नॉन सेक्स लिंक्ड इनो है, तो इसलिए ये दोनों पर पाए जाते हैं। तो ये इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, एक्स इनो और एक्स इनो। और जो फीमेल ग्रीन रिंग नेक की है, ये दोनों ही चूँकि फीमेल है, ये एक्स वाई होंगे और ये इनके ऊपर ग्रीन जीन्स का जो विजुअल कलर है वो ग्रीन, और ग्रीन जो है डोमिनेंट कलर है, ये आपने याद रखना है। और इनका जब आप क्रॉस करवाते हैं, जो पुनेट स्केयर में जो चार ऑप्शन आएंगी उसमें से 25% जो बच्चे हैं
वो मेल स्प्लिट के पैदा होंगे। अब ये जो है वो ये इसको स्प्लिट कह दें, इसको पाइड कह लें, या इसको चेरी कह दें, ये चेरी होगा। और फिर इसके साथ ही 25% बच्चे जो है वो फीमेल स्प्लिट के, यानी कि मेल स्प्लिट या मेल पाइड भी आ रहा है और फीमेल पाइड भी आ रही दोनों। और फिर 25% बच्चे अगले पुनर्स्केयर में भी फीमेल के ही हैं। और फिर चौथे पुनर्स्केयर में 25% बच्चे जो हैं वो भी स्प्लिट हैं लेकिन मेल के। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो स्प्लिट पैदा होंगे, यानी के सारे बच्चे पाइड या चेरी पैदा होंगे। अच्छा, ये स्टेप वन में होगा। और या इनको दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि 50% बच्चे जो स्प्लिट, जितने भी बच्चे स्प्लिट पैदा हुए उसमें से आधे बच्चे 50% जो है वो नर हैं और 50% आधे बच्चे जो हैं वो मादा हैं। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि अगला पार्ट में हम बताएंगे कि अभी आपने इनसे फर्दर आपने येलो रिंगनेक अगर पैदा करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि पार्ट टू जो है इस वीडियो का वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वो हम 4 दिन के बाद लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहें। और इसके अलावा भी आप जितने भी जेनेटिक्स कैलकुलेशंस हैं वो डिफरेंट, लोग हमें बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के अवामुन्नास में हर फर्द को ये इलम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा। और नादिया पेट्स क्रॉस 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर रही है, तो हमने सिर्फ अपने जो नाजरीन है जिन्होंने हमें इस काबिल पहुंचाया कि हम इस स्टेज तक पहुंच सके, तो हम भी उनको कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। तो हम ये सारा हिडन सीक्रेट नॉलेज जो है ये इनको ट्रांसफ़र करें। तो अल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में हमें सुरखरू करे। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जिस तरह मैं आपको बताया था येलो रिंग ना किससे आप पैदा कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 4 दिन के बाद रात को 9 बजे ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।